ये देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, घर पर ही आप बहुत ही आसानी से आइसक्रीम जमा के अपने बच्चों को खिला सकते हैं और बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 500 ml दूध ले लिया है और ये फुल फैट मिल्क है। और दूध को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और हाई फ्लेम पे सबसे पहले हम अपने दूध को गर्म कर लेंगे। तो देखिए, जो दूध है वो मेरा बॉयल होने लगा है और अब मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर लेती हूँ। और मीडियम फ्लेम पे हम अपने दूध को लगभग 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो हमारा दूध है वो थोड़ा सा जल जाए और दूध की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अगर हमारा दूध थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो हमारी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 4 से 5 काजू हैं, जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ वो सारे ऑप्शनल हैं, आपको जो भी पसंद है आप वो ऐड करिएगा। इसमें थोड़े से पिस्ता है और इन्हें भी मैंने बारीक कट कर लिया है। 4 से 5 बादाम हैं, इन्हें भी मैंने बारीक कट कर लिया है, क्योंकि अगर आइसक्रीम में ड्राई फ्रूट्स हम ऐड कर लेते हैं तो आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे हमने 3 से 4 हरी इलायची हैं, जिसे मैंने कूट के रेडी कर लिया है। ये मैंने यहाँ पे फ्लेवर के लिए ऐड करी हैं। और अब हम अपने दूध को 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और हमारी जो आइसक्रीम है वो काफ़ी क्रीमी और स्वादिष्ट बने। और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लगभग 40 ग्राम चीनी। चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो दूध है वो अब थोड़ा सा जल चुका है और ये हल्का सा गाढ़ा भी लगने लगा है, यानी कि अभी लगभग जो दूध है वो 400 ml के करीब दूध रह गया है। मैंने यहाँ पे 500 ml दूध लिया था और लगभग 100 ml दूध जल गया है। तो इतना ही जलाएंगे हम, इससे ज़्यादा दूध को नहीं जलाना है हमें। तो अब देखिए, दूध जो है उसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया है। और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और दूध को हमें पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि हमें अब दूध पूरी तरीके से ठंडा चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो देखिए, लगभग 15 मिनट के बाद जो दूध है वो अब पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि दूध गुनगुना भी नहीं होना चाहिए, दूध को हमें पूरी तरीके से ठंडा करना है। और उसके बाद हम ले लेंगे मिक्सिंग पॉट और इसमें मैं डाल देती हूँ अपना दूध। और उसके बाद हमें चाहिए होंगे 2 बनाना, तो बनाना को छील के मैं इसमें डाल देती हूँ। बनाना को छीलने के बाद हम इसके पीस करके डाल देंगे इसमें। और अब मैं इसको पीस के रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इसको पूरी तरीके से पीस के रेडी कर लिया है। और ये देखिए, हमारा जो मिक्सर है आप देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मिक्सर हो गया है। और आप चेक कर लें कि इसमें बनाना के कोई भी पीस रहने नहीं चाहिए, पूरी तरीके से आप इसको अच्छे से पीसेंगे। तो चलिए, अब हम अपने मिक्सर को मोल्ड में डाल लेते हैं। आइसक्रीम को सेट करने के लिए मैंने इस तरीके का मोल्ड ले लिया है। तो अब हम इसमें अपना मिक्सर डाल देंगे। तो देखिए, मैंने इसको पूरी तरीके से फिल कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा लेती हूँ। और उसके बाद हम इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। तो देखिए, मैंने सारी आइसक्रीम स्टिक को लगा दिया है और अब हम अपनी आइसक्रीम को ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, रात भर सेट होने के बाद हमारी आइसक्रीम एकदम अच्छे से सेट हो गई है। तो मैं अब पहले ये फॉइल पेपर निकाल लेती हूँ। तो मैंने फॉइल पेपर निकाल दिया है और उसके बाद आइसक्रीम को निकालने के लिए हम एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और हम अपने आइसक्रीम के मोल्ड को उस पर रख देंगे। और कुछ सेकंड के बाद हमारी आइसक्रीम जो है वो अच्छे से निकलने लगेगी। कुछ सेकंड रखने के बाद हम इसको इस तरीके से हिलाएंगे, तो ये देखिए दोस्तों, हमारी आइसक्रीम निकल आएगी। और ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया और कितनी क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनके एकदम रेडी हो गई है। और इसी तरीके से सारे पीस हम निकाल निकाल के प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक पीस और निकल आया है
और इसी तरीके से आप अपने बच्चों को ये आइसक्रीम बनाइए और खिलाइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।